एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्कार उसी जगह पे आया होता है जहाँ पे ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती है और वो अंदाजा लगा लेता है कि स्कार यहीं से भाग गया होगा, लेकिन वो कहाँ गया होगा उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। और तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो बताता है कि साउथ की तरफ 200 मीटर दूरी पे एक बोट को किसी ने चोरी कर लिया है। इसके बाद वहाँ पे एक और सोल्जर आता है जो बताता है कि वेस्ट की तरफ स्कार को देखा गया है। इतना सुनने के बाद स्कार को समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बावजूद भी वो वेस्ट की तरफ कुछ सोल्जर को भेजता है स्कार को पकड़ने के लिए और खुद साउथ की तरफ जाने के लिए डिसाइड करता है, जबकि साउथ की तरफ जो रास्ता है उस रास्ते से इंसान का भाग के निकल के जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे हमेशा लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसके बावजूद भी किमली साउथ की तरफ जाता है और वो देखता है एक जगह पे रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ होता है, लेकिन थोड़ी सी तहकीकात करने के बाद उसे पता लगता है कि इस रास्ते को किसी ने जानबूझ के ब्लॉक किया है। ये सब अल्केमी से हुआ है, यानी कि स्कार उसी तरफ से भागा है और स्कार ने अल्केमी की मदद से उस रास्ते को बंद कर दिया है ताकि नेचुरली ऐसा लगे कि यहाँ से कोई गया ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एल्ड्रिक ब्रदर नॉर्थ सिटी में पहुंच चुके होते हैं जहां पे बर्फ पड़ रही होती है जिस वजह से एडवर्ड का पैर फिसल जाता है और वो नीचे लुढ़क जाता है। इसके बाद दोनों भाई बात करते हैं जहां से हमें पता लगता है कि एक बार रिजम्बल में भी बरसात हुई थी बर्फ की और जहां पे इन्होंने अल्केमी की मदद से स्नोमैन भी बनाया था। उस वक्त इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये कभी नॉर्थ सिटी भी आ सकते हैं, लेकिन इनका वो सपना तो यहाँ पे साकार हो चुका है। इसके बाद ये दोनों भाई थोड़ा कुछ खा के यहाँ से निकलने की प्लानिंग बनाते हैं। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे किमली को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई स्कार जैसा दिखने वाला इंसान ब्रिग्स की तरफ जा रहा है। इतना सुनने के बाद किमली पूछता है क्या उसके साथ कोई है और उसके बाद वो सोल्जर बताता है कि कोई काले बालों वाला इंसान उसके साथ है। इतना सुनने के बाद किमली बोलता है ठीक है, अब से मैं सब कुछ अकेला संभालूंगा, मेरे रास्ते में कोई मत आना, और वो अकेला चला जाता है स्कार से फाइट करने के लिए। इसके बाद हम उसी ट्रेन को देखते हैं जिसके अंदर स्कार होता है और उसके साथ कोई और भी होता है। इसके बाद स्कार बोलता है अभी सो जाओ, अगर हम और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ठंड और भी बढ़ जाएगी और तुम्हें नींद नहीं आएगी। इसके बाद स्कार चेक करता है कोई खतरा तो नहीं है और वो देखता है कि सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अचानक से स्कार को कुछ महसूस होता है। वो तुरंत जाके पीछे का दरवाजा खोलता है और वो देखता है वहां पे मिलिट्री की एक ट्रेन पहुंच चुकी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं किमली छपरियों की तरह ट्रेन से लटक रहा होता है और वो ट्रेन के ड्राइवर को बोलता है कि दोनों ट्रेन की स्पीड को मैच करो ताकि ये कूद पाए। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड मैच हो जाती है ये एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और सीधा वो रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पे स्कार था। इसके बाद वो किसी इंसान को वहाँ पे देखता है और बोलता है डॉक्टर मार्को, तो तुम यहाँ पे छुपे बैठे हो, अब यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हें कब हार मानना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये डॉक्टर मार्को नहीं यूकी होता है और तभी यहाँ पे स्कार पहुंच जाता है। वो अचानक से अटैक कर देता है किमले के ऊपर, लेकिन किमले तो माइकल जैक्सन है, वो डांस करता हुआ इसे डॉज करता है और बोलता है अच्छा तो तुम ही हो वो भयंकर मर्डर इश्वालन स्कार। और इसके बाद हम देखते हैं किमले के चेहरे के ऊपर चांद की रोशनी पड़ती है जिस वजह से स्कार उसे साफ साफ देख पाता है और उसे याद आता है कि ये वही इंसान है जिसने इसके भाई को मारा था, इसके क्लान को तबाह किया था। और इसके बाद स्कार भड़क जाता है और वो अपनी अल्केमी की मदद से उस कोच को तबाह कर देता है। इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो यहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वो ट्रेन से भाग जाए, लेकिन तभी वो देखता है ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, इस रफ्तार से अगर वो कूदेगा तो वो मर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं उस बोगी से धुआं हटता है, हम स्कार को देखते हैं और वहां पे किमले भी होता है जो माइकल जैक्सन की तरफ पूज मार रहा होता है, उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। इसके बाद स्कार बोलता है सॉल्फ जे किमली द क्रिम्सन अल्केमिस्ट, क्या मैं तुम्हें याद हूं। इसके बाद किमले बोलता है बहुत ही अच्छी तरीके से, तुम तो इश्वाल के कांडा डिस्ट्रिक्ट में थे, तब शायद तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली भी थी और वहाँ पे कोई था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, बस उसने चश्मा लगा रखा था और उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। इतना सुनने के बाद स्कार अटैक कर देता है किमले के ऊपर, लेकिन किमले तो अपना माइकल जैक्सन है,
वो डांस करता हुआ स्कार को डॉज करता है और सोचने लगता है कि फिलहाल के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि ये लगातार बहुत दिनों से लड़ता जा रहा है। लेकिन मैं तो अभी भी जेल से निकला हूँ, सिविल वॉर के बाद मैंने किसी से लड़ाई ही नहीं की है, शायद मेरा स्टैमिना भी इससे कम है, अभी तो मैं डिसएडवांटेज में हूँ। लेकिन स्कार तो अपने पे होता है, स्कार एक रॉड लेता है और सीधा तेजी से इसकी तरफ दे मारता है, जो रॉड सीधा इसके पेट के अंदर घुस जाता है और ये दीवार से, यानी कि जो ट्रेन की दीवार होती है वहाँ से चिपक जाता है, दर्द से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद स्कार किमले के पास जाता है और बोलता है, कहाँ चोट लगी है? लेफ्ट पेट में है ना, मैं तुम्हें प्रार्थना करने का भी मौका नहीं दूंगा। और तभी किमले बोलता है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि मैं एक इश्वाल से दो बार हार चुका हूँ, मैं उसे मार नहीं पाया दो बार अटेम्प्ट करने के बाद भी। और तभी किमले अपनी अल्केमी का इस्तेमाल करता है और वो ट्रेन की जॉइंट को तोड़ देता है, जिस वजह से किमले उस इंजन के साथ आगे जाने लगता है, लेकिन स्कार जो कि दूसरे बोगी में होता है वो पीछे रह जाता है। और किमले बोलता है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, लेकिन इश्वालन मैं तुमसे फिर से लड़ूंगा और तब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इसके बाद हम स्कार को देखते हैं जो गुस्से से बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है। इसके बाद हम इंजन ड्राइवर को देखते हैं जिसे महसूस हुआ होता है वो धमाका, और वो सोचने लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। और जब इन्हें पता लगता है कि इनकी कुछ बोगी गायब है, ये गाड़ी को रोकते हैं और जाके पीछे चेक करते हैं, जहाँ पे किमली होता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। ये किमली को जगाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, और तब किमली इसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ट्रेन भगाओ, तुम्हें ट्रेन रोकने के लिए किसने कहा, मौत मेरा पीछा कर रही है, जो लोग दूसरे को मारते हैं उनका पीछा मौत करती है, जल्दी ट्रेन को भगाओ। मौत हमेशा से मेरा पीछा करती थी, मुझे ऐसे जॉब पसंद है जिसमें जान की बाजी लगानी पड़ती है, मुझे जंग पसंद है। इसके बाद हम मैचांग और डॉक्टर मार्को को देखते हैं जो बर्फीले रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मैचांग बोलती है, उम्मीद है मिस्टर यू की मिस्टर स्कार सही सलामत होंगे। इसके बाद डॉक्टर मार्को बोलते हैं, पुलिस हमारा पीछा नहीं कर रही है, यानी कि वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर मार्को को बहुत दर्द होता है, वो अपना मास्क उतारते हैं और हम देखते हैं उनका चेहरा बुरी तरह से तबाह हो चुका होता है। और इसके बाद मैचांग बोलती है, शायद मुझे थोड़ा अच्छी तरह से हील करना चाहिए था, मुझे माफ़ करना। और इसके बाद डॉक्टर मार्को बोलते हैं, नहीं मैं इसी के लायक हूँ। इसके बाद इनके सामने एक पहाड़ की चोटी होती है, जिसको देख के डॉक्टर मार्को बोलते हैं वो ब्रिक माउंटेन रेंज है, जिसके पीछे ड्राकमा देश है, और ये दोनों माउंटेन रेंज यानी कि ब्रिक्स माउंटेन रेंज की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद हम रश वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंड्री कॉल करती है एडवर्ड को, लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं करता और उसे पता लगता है एल्रिक ब्रदर्स साउथ की तरफ गए हुए हैं। इतना सुनने के बाद गारफील्ड बोलता है, अगर एल्रिक ब्रदर्स साउथ की तरफ गए हुए हैं तो वो दोनों मरने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड को भयंकर सर्दी लग चुकी होती है और एल्रिक ब्रदर घोड़ा गाड़ी की मदद से बर्फीले रास्ते में आगे जा रहे होते हैं। तभी टांगे वाला घोड़े को रोकता है और बोलता है, ये जो रास्ता दिख रहा है इसी रास्ते से तुम्हें सीधा जाना होगा और तुम ब्रिक्स फोर्ट्रेस तक पहुंच जाओगे। लेकिन जाने से पहले वो अल्फांजो से पूछता है, क्या उसका जो आर्मर है वो ऑटोमेल है? और तब अल्फांजो ना बोलता है। टांगे वाला बोलता है, फिर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन याद रखना यहाँ के बाद की पूरी जमीन मिलिट्री की है, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। इसके बाद हम देखते हैं एल्रिक ब्रदर्स आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक बर्फीला तूफान आ जाता है और एडवर्ड बोलता है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी एक लड़की अपना इरादा नहीं बदलती जितनी जल्दी यहाँ पे मौसम बदल रहे हैं। और तभी अल्फांजो बोलता है, शायद हम रास्ता भूल रहे हैं। और इसके बाद एडवर्ड बोलता है कि सब कुछ ठीक है, मास्टर इजुमी यहाँ पे पूरे एक महीने के लिए सर्वाइव कर गई थी। और इसके बाद अल्फांजो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक महीने तक कोई जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद एड बोलता है, लेकिन मास्टर इजुमी ने एक बड़े से भालू को भी यहाँ पे हराया था। इसके बाद अल्फांजो बोलता है कि यहाँ पे जो भालू दिखते हैं वो 15 फीट के ऊंचे होते हैं, उन्हें आखिरकार कौन हरा सकता है। और तभी हम देखते हैं इन दोनों के पीछे एक भयंकर सी आकृति होती है, जिसे देख के दोनों भाई डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा भालू है, जिस वजह से एडवर्ड तुरंत अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और हम देखते हैं एक्चुअली में ये ब्रिक्स मिलिट्री होती है। इस सोल्जर के पास भी एक ऑटोमेल होता है और वो अपने ऑटोमेल से अटैक कर देता है एल्रिक ब्रदर के ऊपर। एल्रिक ब्रदर बच के निकल तो जाते हैं, लेकिन तभी ये शूट करता है एक जाली और वो जाली अल्फांजो को कैद कर लेती है। इसके बाद एडवर्ड बोलता है, जरा रुको, तुमने तो मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी है। और तभी सोल्जर बोलता है, तुम्हारे पास भी एक ऑटोमेल है, लेकिन ये काफी नॉर्मल सा है। इसके बाद एडवर्ड बोलता है, तो तुम्हारा वाला कौन सा खास है?
इसके बाद ये सोल्जर बोलता है, कितने बेवकूफ हो तुम, तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरा ऑटोमेल एक कॉम्बैट मॉडल ऑटोमेल है, M1913A क्रोकोडाइल, जो तुम्हें तबाह कर देगा ड्राकमा के स्पाई। और इसके बाद एडवर्ड बोलता है, स्पाई? मैं कोई स्पाई नहीं हूं, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन ये बंदा इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके बाद एडवर्ड उसे डॉज करता है और बोलता है, मोटी बुद्धि मोटी चमड़ी वाला जरा मेरी बात तो सुन ले। लेकिन अचानक से एडवर्ड के हाथ में दर्द होने लगता है, ठंड की वजह से इसका ऑटोमेल फ्रीज हो जाता है और ये अपने ऑटोमेल को मूव नहीं करवा पाता। और तभी ये सोल्जर इसके ऑटोमेल को पकड़ लेता है अपने ऑटोमेल से और इसके ऑटोमेल को तबाह करने की कोशिश करता है। इसके बाद एडवर्ड चिल्लाने लगता है और बोलता है, ऐसा मत करो, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। लेकिन वो बंदा सुनता ही नहीं है और इसके बाद एडवर्ड की भी सड़क जाती है। वो अपनी अल्केमी का इस्तेमाल करके इसका ऑटोमेल तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन किसी वजह से इसका अल्केमी काम ही नहीं करता। और तभी अल्फांजो जाल से बाहर निकल के आता है और अपना सर दे मारता है एडवर्ड की तरफ। एडवर्ड इसका सर पकड़ता है और उसकी चोटी को बांध देता है ऑटोमेल में, जिस वजह से इसका ऑटोमेल अटक जाता है और एडवर्ड वहां से बच के निकल आता है। इसके बाद एडवर्ड बोलता है, अगर ये ऑटोमेल टूट जाता तो यहाँ की ठंड से मरने से पहले ही विनरी मुझे मार देती। और इसके बाद वो सोल्जर बोलता है, बुरा नहीं है, एक नॉर्मल ऑटोमेल होने के बावजूद भी तुम इतना लड़ पाए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए सब खत्म हो चुका है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिक सोल्जर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं एल्ड्रिक ब्रदर्स को। और इसके बाद एल्ड्रिक ब्रदर्स को रियलाइज होता है कि ये ब्रिक फोर्ट्रेस के पास ही लड़ रहे होते हैं और उस फोर्ट्रेस के ऊपर एक लड़की होती है जो बोलती है, बकानियर क्या चल रहा है यहाँ पे। और हमें पता लगता है जिस सोल्जर के साथ एडवर्ड फाइट कर रहा था उसका नाम बकानियर है। इसके बाद बकानियर बोलता है, इस अफरा तफरी के लिए मुझे माफ करना जनरल आर्मस्ट्रांग। जनरल आर्मस्ट्रांग का नाम सुनते ही एडवर्ड बोलता है, क्या ये वही इंसान है जिसे मेजर आर्मस्ट्रांग हमें मिलवाना चाहते थे? क्या ये आर्मस्ट्रांग की बहन ओलिविए मेरा आर्मस्ट्रांग है? इसके बाद अल्फांजो बोलता है, लेकिन ये उनकी तरह तो नहीं दिखती। और तब एडवर्ड बोलता है कि हाँ, ये बहुत बड़ी तो नहीं है। इसके बाद मीरा आर्मस्ट्रांग बोलती है, तुम कौन हो? और एडवर्ड बोलता है, मैं फुल मेटल अल्केमिस्ट एडवर्ड एल्ड्रिक हूँ, मैं मिलिट्री के साथ हूँ, मैं सेंट्रल से आया हूँ, मेरे पास आपके भाई ने एक लेटर भी दिया था मेजर आर्मस्ट्रांग ने। इसके बाद मीरा बोलती है, इनको चेक करो। और एडवर्ड बोलता है कि लेकिन हमें चेक क्यों करना, हम तो मिलिट्री के साथ हैं। और तब मीरा बोलती है, कोई भी किसी भी इंसान का नाम लेके यहाँ पे आ सकता है, हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तभी एक सोल्जर बोलता है, इस डब्बे में तो कोई नहीं है। और एडवर्ड बोलता है, तुझे अब पता लगा लल्लू? तभी एक सोल्जर इनका बक्सा चेक करता है जहां से इसे एक चिट्ठी मिलती है। वो उस चिट्ठी को मीरा आर्मस्ट्रांग को देता है। मीरा देखती है कि ये चिट्ठी उसके भाई ने भेजी है, लेकिन उसके बावजूद वो उस चिट्ठी को फाड़ देती है। इतना देखने के बाद एडवर्ड चिल्ला के बोलता है, ये तुमने क्या किया, वो चिट्ठी तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हारे भाई ने वो भेजा था। और इसके बाद मीरा बोलती है, कोई किसके बारे में क्या सोचता है, मुझे उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुद लोगों को अपनी आंखों से देखती हूँ और खुद ही उन्हें जज करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड एल्ड्रिक उस ऊंची दीवार को देख के बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये सब आखिरकार क्या है। और तभी मीरा आर्मस्ट्रांग बोलती है, फुल मेटल अल्केमिस्ट अंदर आ जाओ। लेकिन तभी एडवर्ड चिल्ला के बोलता है, ये कितना ऊंचा है, ये तो कमाल का है। और इसके बाद मीरा बोलती है, जल्दी करो, अगर जल्दी नहीं आओगे तो मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगी। और मीरा इनके लिए एक भालू होती है जबकि एल्ड्रिक ब्रदर सिर्फ एक खरगोश। इसके बाद मीरा बोलती है, याद रखना मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करने वाली हूँ, ये ब्रिक्स फोर्ट्रेस है, यहाँ पे सिर्फ ताकतवर सर्वाइव करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों मुझे भी पता है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके पीछे कुछ रीजंस है, सिर्फ यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता है, मुझे दूसरे काम भी करने होते हैं और हफ्ते में मुश्किल से एक दिन मुझे मिलता है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना सकता हूँ, इसीलिए बहुत ही लेट से आपको वीडियोस देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और अगर अच्छी लग रही है तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ अच्छा सा लिख दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना।